लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब ट्वीट वार शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कमलनाथ सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सहरयार खान ने उन पर पलटवार किया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सहरयार खान ने कहा कि भाजपा के सभी नेता मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में अधिकारियों के तबादला करने की जरूरत होती है तो मुख्यमंत्री को इसका अधिकार है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सहरयार खान ने कहा कि भाजपा पार्टी के 15 साल के शासनकाल में जब तबादला उद्योग चला तो कांग्रेस ने कभी इस पर आपत्ति नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भाजपा के नेताओं को मीडिया में बने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात को वो करते हैं जिससे कि वो कैमरे के सामने बने रहें। ये इनकी आपसी सरदारी की लड़ाई है। अगर माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में प्रशासन की सर्जरी करने की ज़रूरत होती है तो ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। और भाजपा टाइम में कितने हज़ारों लाखों तबादले हुए, तब कांग्रेस पार्टी ने इस पर कभी आपत्ति नहीं करी। कोई भी मुख्यमंत्री बेहतर जानता है कि उसको प्रशासन संभालने के लिए कहां पर चेंजेस हैं और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाजपा के नेता सिर्फ मीडिया में अपने को बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें बोलते हैं। और भाजपा के गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी नीति और नियत इतनी अच्छी होती तो मध्य प्रदेश में जो महिला अत्याचार और क्राइम में देश में एक नंबर पे था, क्या आप चाहते हैं कि जो पिछले 3 साल से लगातार है वो हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? अगर प्रशासन में कोई सर्जरी हो रही है, पुलिस प्रशासन में कोई सर्जरी हो रही है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता के हित को लेकर सही निर्णय हो रहे हैं और ये भाजपा की परेशानी का सबब भी है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।